हम एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं या एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ सबसे पहले सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में मिलियंस और बिलियंस के अमाउंट में सेल्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं डिफरेंट साइजेस के मौजूद हैं ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं जैसे हमारे पास मसल टिश्यूज हैं कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में नर्व टिश्यूज हैं टिश्यूज ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो हमारी बॉडी में ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन जैसे लिवर जैसे किडनी जैसे हमारे पास ब्रेन है हार्ट है ये तमाम हमारे जो हैं है ऑर्गन इन हैं। इनसे रिलेटेड हमारे जो पास पेपर अभी तक पीपीएससी में और एफपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे आप सबको पता है कि ये बुक जो है वो पास पेपर क्वेश्चन को ही कंबाइन करके सीक्वेंस के साथ बनाया गया जैसे, जैसे जैसे आप लेक्चर्स को सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप आप देखिएगा कि आपके ये सारे के सारे एमसी तैयार होते जाएंगे जैसे अब अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ऑर्गन की बात की है तो इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या है तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लिवर है हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स कितने हैं फाइव वाइटल ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं ब्रेन हार्ट लंग्स लिवर एंड किडनी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा जाता है लिवर लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन है लंग्स क्या है लाइटेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के फिर इसी तरह हमारी बॉडी में एक ऑर्गन ऐसा भी है जो एज अ ग्लैंड एक्ट करता है वो भी लिवर है जो हमारा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन है उसका वेट कितना है 1.5 किलोग्राम है जब ये तमाम ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मिलकर काम करते हैं एक साथ तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जैसे और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इम्यून सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम ये सारे सिस्टम्स बनते हैं और जब ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है जैसे ह्यूमन जैसे एनिमल्स ये तमाम तो सेल्स से स्टार्ट होकर टिश्यूज बने फिर ऑर्गन्स बने फिर ऑर्गन सिस्टम बना और इसी तरह ऑर्गेनिज्म अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे हम मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में अब ये टोटल नाइन ऑर्गन कार्डियो ये जो सिस्टम्स मौजूद हैं इन नाइन सिस्टम में हम सबसे पहले अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे जिसमें हमारा हार्ट आ जाएगा जिसमें हमारी ब्लड वेजल्स आ जाएंगी और जिसमें हमारा सारा का सारा ब्लड से रिलेटेड एम आएगा इसमें सारे के सारे आपको एम ही तैयार करवाए जाएंगे अब जैसे कि आप सबको पता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हमारे मेजर जो पोर्शंस हैं वो इन तीन चीजों को हम कवर करेंगे और इन तीन चीजों के जरिए हम तमाम पास पेपर क्वेश्चन को जो है वो पढ़ लेंगे हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है ना आपको पता है कि हम हार्ट का काम क्या है ब्लड की सर्कुलेशन करना ये जो सर्कुलेशन होती है ना हमारी पूरी बॉडी में ये टू टाइप्स की होती है एक होती है शॉर्टेज सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट टू लंग्स तक जाता है और बैक लंग्स से बैक टू हार्ट हो जाता है ये शॉर्टेस्ट सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है ये यहाँ पे आपके सामने मैंशन भी है इसमें क्यों होता है कि डी ब्लड हार्ट से ऑक्सीजन में जा लंग्स में जाता है वहां से ऑक्सीजन को रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है हार्ट तक आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए अब ये पलमोनरी सर्कुलेशन है शॉर्टेज सर्कुलेशन उसके बाद सेकेंड सर्कुलेशन हमारे पास है सिस्टमिक सर्कुलेशन ये क्या है सर्कुलेशन हमारी बॉडी में के तमाम बॉडी पार्ट से ब्लड जो है आता है हार्ट की तरफ और हार्ट से वापस चला जाता है वापस बैक टू द तमाम जो हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स हैं ये होती है एक सर्कुलेशन और ये आगे यहाँ इससे रिलेटेड आता है कि हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट्स तक कौन सा जो है पार्ट ब्लड uh, को ट्रांसफर करता है तो एटा का ये फंक्शन होता है आगे इसके साथ भी आपको बता देते हैं फिर हमारे पास हार्ट का फंक्शन क्या है हार्ट का साइज क्या है क्लिंज फिस्ट जितना फंक्शन है इसका ब्लड की सप्लाई करना न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई uh, करना तमाम बॉडी पार्ट्स को हार्ट को ये हमारे हार्ट का फंक्शन है इसमें अगर हम फंक्शन पे चले तो ये एक डायग्राम है इसके जरिए आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना वो आप आंसर कर सकते हैं पीपीएससी हो एफपीएससी हो इवन के एनटीएस हो जो सीएसएस वालों का स्क्रीनिंग का पेपर होता है उसमें सिक्सटीन एमसी क्यूज आते हैं वो भी उसमें भी यही सारे एमसीक्यूज है वो पूछे जाते हैं हार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके आपको पता है कि टू साइड्स हैं लेफ्ट साइड है और राइट right साइड है लेफ्ट और राइट साइड इन दोनों को सेपरेट करती है टिश्यूज की एक जिसे सेप्टम कहा जाता है और इसी तरह हार्ट के फोर चैम्बर्स हैं टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल्स अब आपसे कहा जाता है सवाल के हार्ट का एमसीक्यूज से जाता है कि हार्ट का फर्स्ट सबसे पहला चैम्बर जो है ब्लड को कौन सा रिसीव करता है तो हम इस एक डायग्राम के जरिए अब ये सारे आ, हार्ट के फंक्शन को देखेंगे सबसे पहले फोर चैम्बर्स जो हमने बात की है टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल राइट साइड का जो एट्रियम होगा वो राइट ए टी है लेफ्ट साइड का जो एट्रियम होगा वो लेफ्ट एट्रियम राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो राइट right वेंट्रिकल इसी तरह लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ये फोर हमारे पास चैम्बर्स है हार्ट के सबसे पहले सुपीरियर वेना वेनाकेवा के जरिए हार्ट के पास आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है तमाम बॉडी पार्ट से होता हुआ सुपीरियर वेना केवा के जरिए हार्ट के सबसे पहले राइट एट्रियम मेंटर होता है राइट right एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट right वेंट्रिकल के पास राइट right वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास राइट right वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है देन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है डी ब्लड को लंग्स में एम्पटी कर देती है डी ब्लड लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन को रिसीव करता है और वापस क्या करता है पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम को जो है ब्लड ट्रांसफर कर देता है एट्रियम ही रिसीव करेगा फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ईओटा के पास एंड एओटा का फंक्शन होगा फर्दर क्या करना तमाम बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करनी और इस तरह से एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगी और फिर ये सर्कुलेशन कंटिन्यूस होती होती रहेगी ये यहाँ पे हार्ट का एक सिंपल सा फंक्शन था जिसमें आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले हार्ट का कौन सा चैम्बर रिसीव करता है राइट एट्रियम तमाम बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन uh, सा पार्ट जो है वो ट्रांसफर करता है एओटा और डी ब्लड हार्ट से लंग तक कौन लेकर जाता है परमोनरी आर्टरी। तो आप इस तरह से एक फंक्शन के जरिए कितने सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर सकते हैं इस तरह से ये सर्कुलेशन जो है हमारी चलती रहती है फिर उसके बाद हम अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास फिर आ जाता है हार्ट बीट हार्ट बीट की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारे पास बीट्स पर मिनट कितनी होती है 72 बीट्स पर मिनट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं हार्टबीट में जाने से पहले हम सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को अगर देखें तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल एंड पुशिंग द ब्लड इंटू सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोल और डायसिस्टोल क्या है फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो हाँ, आपके पास साइकिल है मिलकर कार्डिक साइकिल बनाता है एक कार्डिक साइकिल जो हमने ऊपर बात किया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ वो ये जो टाइम ले रहा होता है का जो है वो टाइम लेता है अपना कि ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए और ऐसा नहीं है कि ये एक साइकिल के बाद जो है वो हार्ट रुक जाएगा ये सर्कुलेशन होती रहेगी इसी तरह एमसीक्यू साफ पूछे जाते हैं यहाँ पे मैं आपको साथ साथ मैंशन भी करवा देती हूँ क्योंकि बुक आपके पास होगी तो आप इजिली उसमें से भी इसको याद कर सकते हैं ये सेम थर्ड एडिशन के हवाले हाँ से ही आपको गाइड किया जा रहा है ये देखें ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कार्डिक साइकिल में रेशो पूछी जाती है वेंट्रिकल की सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक और इसी तरह कार्डिक साइकिल की आर्टियल सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक सर्कुलेशन पूछी जाती है हार्ट बीट मैंने आपको बताया था जैसे बीट्स जो होती हैं वो सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ये कि एक बीट से दूसरी बीट के टाइम के दरमियान टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए वन uh, सेकेंड का होना चाहिए एवरेज रेंज कितनी होती है uh, हमारे पास हार्ट बीट की तो वो सिक्सटी से हंड्रेड बीट्स पर मिनट होती है जैसे जैसे हम आपको एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं आपने बुक में देखा होगा कि एक टॉपिक के बाद ये भी सारे पास पेपर क्वेश्चन हैं इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट मजीद जो क्वेश्चन हैं वो अलीदा से भी एंटर करते गए जैसे जैसे कोई पेपर होगा आपके पास टॉपिक मौजूद है आप देखेंगे कि एवरीडे दे साइंस का अगर कोई क्वेश्चन न्यू आ रहा है तो आप उस टॉपिक के साथ उसको लिख कर अपनी तैयारी कर सकते हैं हार्ट बीट की जो रेंज है सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट नॉर्मली होनी चाहिए सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट तो एक किसी एवरेज इंडिविजुअल की बात की जाती है ना अगर सिक्सटी से बीट्स पर सिक्स जो है हमारे पास बीट्स कम होंगी तो ये टेके कार्डिया है हमारे पास सॉरी uh, ब्रेडे कार्डिया स्लो हार्ट रेट ऑफ लेसटी एंड हंड्रेड से बीट्स ज्यादा होंगी तो वो फिर हमारे पास uh, जो है इससे आ आ जाते जाते हैं हैं फिर उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास हार्ट के फोर वॉल्स ये फोर वॉल्स कितने हैं कौन कौन से हैं हमारे पास अभी मैंने आपको फोर चैम्बर्स बताए थे पलमोनरी आर्टरी uh, के हवाले से बताया था और Aota के हवाले से बताया था तो अगर आपको पता, uh, ये देखना हो कि कहाँ पे ये वॉल्स लोकेटेड हैं और जैसे अक्सर आपने सुना भी होगा के ये जो है वाल्व हार्ट के जो है बंद हो गए तो सबसे पहले हमारे कहाँ पे है राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के दरम्यान पीछे आपके पास डायग्राम भी मौजूद है आप उससे भी देख सकते हैं कि एक हमारा कहाँ पे है राइट right, मैं आपको पीछे डायग्राम ओपन करके भी बता देती हूँ अगर आपकी के लिए राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारा सबसे पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व है बाय कस्पिड कहाँ है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान इसीलिए इसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है फिर हमारे पास आ जाता है पल्मोनरी वॉल। वो कहाँ पे है हमारे पास राइट right, जो हमारी साइड है इसे राइट सेमिल्यूनर वॉल्व भी कहा जाता है राइट right वेंट्रिकल और पलमोनड्री आर्टरी के दरमियान यहाँ पे जब डी ब्लड जो है वो लंग्स में ट्रांसफर हो रहा होता है लाइट राइट वेंट्रिकल और पलमोन्ड्री आर्टरी के दरमियान आपका पलमोनरी वॉल्व मौजूद है और इसी तरह एक बॉल्व जो है हमारा वो यहाँ पे लेफ्ट अः uh, वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल और एटा के दरम्यान है यहाँ पे जिसे एयोटिक वॉल्व कहा जाता है ये इस तरह से हमारी बॉडी में ये फोर हार्ट में वॉल्व मौजूद हैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी मौजूद है फिर इसके साथ ये देखिएगा कि आपको पास पेपर क्वेश्चन मजीद जो आए हुए वो अब आपकी इसके लिए लिखनी है ये आपने जैसे एक टॉपिक को समझ लिया अब आपके लिए आसान है कि बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट्स मीन डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ हार्ट शेप ऑफ हार्ट क्या है कॉनिकल या फिर क्लिन चै कितने हैं एवरेज हार्ट बीट रेट कितनी है जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर सेम रहता है यानी फ्लक्चुएट करता है फर्स्ट बॉडी पार्ट जो है वो कौन सा बनता है हार्ट बनता है हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है बिफोर द बर्थ हार्ट का एवरेज वेट जो है वो कितना है थ्री हंड्रेड ग्राम्स है या फिर एलेवन ऑन्स है एनजियोग्राफी एनजियो प्लास्टिक क्या है वो हार्ट से रिलेटेड सर्जरी है यानी ये फिर फर्दर फास्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं फिर उसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड होती, होती है हार्ट अटैक की वजह से होती है, ये रीसेंट पेपर में एक है. हार्ट अटैक की सबसे पहली वजह क्या बनती है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर अभी हम जब अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ब्लड का तो उसमें हम देखेंगे ब्लड प्रेशर को उसमें हम ब्लड प्रेशर को जो है आ, देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की और हाइपोटेंशन की यहां भी इससे रिलेटेड ब्लड प्रेशर की जब हम बात करें तो सबसे पहली चीज हार्ट अटैक में आ जाती है ब्लड प्रेशर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है हम डिफरेंट सब्सटेंस वगैरह खाना वगैरह खाते हैं उसमें फैट्स और अदर मौजूद फैट ये क्या करते हैं आर्टरीज को ब्लॉक कर देती हैं और प्लैक बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है इंटरप्ट हो जाती है हमारे ब्लड फ्लो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है और इस तरह से क्या होता है हार्ट अटैक बन जाता है ये जो अक्यूमलेन ऑफ फैट कोलेस्ट्रोल्स और ये सारी सब्सटेंस होती है ना आर्टरीज वगैरह में जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है इस प्रोसेस को एथ्रियक् कहा जाता है ये हमारा फर्स्ट एक जो था जो था टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट से रिलेटेड इसी में ब्लड उसके बाद आ जाती है जो दूसरी चीज हमारी ब्लड वेजल्स हैं ये आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स में डिफरेंस भी आपको बुक में मौजूद है आर्टरीज क्या करती हैं कैरी ये आपके पास इसके रिलेटेड ये देखिए ये दो डायग्राम्स एंटर किए कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट कैपिलरीज क्या करती हैं आर्टरीज और के एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैस ऑक्सीजन जो है वो मेन्टेन uh, करती हैं ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसी तरह आपको uh, जो है तमाम पूरी बुक के एवरी साइंस के जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच अल्लाह हाफिज़